अगर अपने आदमी पर सुनाया जाए तो उसमें मनोरंजन दुगना हो जाता है। और हम स्नेह सहने के लिए यहाँ बैठे हैं, किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष करना या उसकी धर्म जाति पर कोई कटाक्ष करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मनोरंजन हमारा उद्देश्य है, तो आप इसको मनोरंजन में ही लें। अब एक बार की बात है, सेक्रेटरी जी की ड्यूटी अड़ेवा लगी, अब अड़ेवा तहसील में तहसीलदार ने इस टीम से कहा कि बोला जी अपनी तहसील का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। बोला क्यों भाई? बोला सारे तो कर्मचारी लुगाइयां डर रहे हैं, एक भी नहीं बच रहा। एसडीएम बोला भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। बोला बिल्कुल हो रहा है जी। बोला भाई चेक करांगे। अब चेक करने के लिए सुबह ड्यूटी लगा दी तहसीलदार की कि आप दो दरवाजे बना दो, जब ये हाजिरी लगाने के लिए आएंगे तो एक दरवाजे पे लिख दिया भाई जो पत्नियों से डरने वाले कर्मचारी, और एक पे लिख दिया पत्नियों से ना डरने वाले। अब जब सुबह एसडीएम निरीक्षण के लिए आया तो भाई जगबीर पटवारी, संजय पटवारी, पता नहीं कितने और सेक्रेटरी थे, वो सारे एक लाइन में खड़े जिसमें लिखा हुआ था पत्नियों से डरने वाले, और दूसरी लाइन में जहाँ लिखा हुआ था कि पत्नियों से ना डरने वाले वहाँ अकेला खड़ा भाई अपना समुंदर सेक्रेटरी। अब एसडीएम ने देखा भाई मानस तो ठेल से है, तगड़ा भी है, ठाडा भी है। एसडीएम आहिस्ता आहिस्ता ढेक लगा, वाह जी वाह वाह, सेक्रेटरी जी कहाँ से हो आप? बोला जी मैं हरिगढ़ से। वाह जी आपने तो इज्जत बचा ली, आड़े तो बेड़ा गर्क हो गया, ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है, सारे पत्नियां डरे हैं और तू एक ऐसा आदमी पाया जो पत्नी से नहीं डरता। अच्छा तू ये बता अपनी पत्नी से तू नहीं डरता, इसके पीछे राज क्या है? बोला जी राज रोज का मन वेरा नहीं, मन तो काल आड़ा खड़ा करके गई थी, मैं तो आड़े ही खड़े हुई थी। वाद विवाद तालियों के साथ आपने हौसला बढ़ाया, हाथ बतौर कमांगे भी। एक मैं एक जाट ने भाई शमशान माल जोड़ दिया, नाम था भरथू, इन शमशान माल जोड़ दिया, लाग गया थे बल चलान उड़े मरड़ मरड़ मल भूतनिया के भूता के भाई मकान लाग गए टूटने। एक भूतनी आई न बोली कौन से तू? बोला भरथू हूँ। बोला तेने डर नहीं लगता? बोला ना डरदा कोनी। बोला देखे मारा भूत बहुत ऊंच है। बोला बोला अरे तू अपने भूत ने, मैं नहीं थमूंगा ही वे। तो आखिर में जब भूतनी ने देखा भाई यू नहीं मानेगा, उसने फिर कहा अब तो कुकर मानेगा। बोला मान जाएगा, मन ने बाजरा चाहिए पूरा 40 मन बाजरा बोना है, जब तू नहीं देगी तो मैं तुहाड़े बोऊंगा, और नहीं तो अगर 40 मन बाजरा उठे तो मैं चलिया जाऊंगा। ये भूतनी ने अपना भाई उसका बाजरा उठ लिया कि भाई ठीक है तेरा 40 मन बाजरा घरा पहुँचा देंगे, और तू हमने बकश दे मारे ढूंढ ना फोड़े। ये वो चला गया, भूत आया उसने देखा, वो बोला रे यू बान कौन ठा जा रहे? बोला पूछे ना भरथू जा ठा रहा था और मसा मनाया है हाथ पाँच उड़ गए, नहीं तो कर दिया था उन्होंने काम। बोला के बोलया? ने बोला 40 मन बाजरा चाहिए, अगर घर पहुँचाओगे तो ठीक से, नहीं मैं नहीं मानना करता। भूत बोला अच्छा काम करा तने, तने नू बताई नहीं, मेरे बारे में नहीं बताया। बोला बताई थी वो कोना मान्या? बोला ठीक से भी मैं जाऊँगा मैं देखूंगा। अब उधर भरथू का घर में एक बिल्ला रोज दूध पी जाया करता, वो भरथू अपना उड़े फंदा लाए और उसमें जंगल में बैठे कुआड़ कर रखे बंद। अब भूत गया, भूत ने देखा भाई कुआड़ तो बंद से तू भी आलम को बढ़ ले। जब वो उस आलम उसने नाड़ फंसाई और भरथू ने एकदम फंदा खींचा और दो मारे साटे, बोले आए रहा मर जा। बोला भाई कौन से तू? बोला जी मैं हूँ भूत। बोला तू क्यों कराया? बोला जी मैं तो न्यू पूछना आया था भाई 40 मन बाजरे के लिए पूड़ी भी देनी है के। एक मैं एक अपने शमशेर मिस्त्री वर्गा देसी दवाई लेने चला गया, बुखार बुखूर हो रहा था। अब जाकर उसने कहा नाड़ी नूड़ी दिखाई, नो बोला भाई कोई खास बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी बीमारी है तोड़ा ठीक हो जाएगा, न्यू करिए घर जाकर दूध उबाल लिया अच्छा, और उस दूध में थोड़ा सा घी घेर लिए भाई, थोड़ी सी हल्दी घेर लिए,
थोड़ी सी चीनी गेर लिए, चार पतासे गेर लिए और फिर उसने तू उकड़ू बैठ कर फूंक मार मार के पी लिए। इब शमशेर थी बोला बोला ये चीज घर आप आ जाएंगी। शमशेर बोला फिर इन में तो एक भी कोनी थी। बोला और घरा के है घरा तो जी बोला दो ये चीज से उकड़ू और फूक। तो भाई साहब देसा पंडित चडाना भाई हितेश पंडित जी चडाना से भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हौसला बजाई के लिए धन्यवाद। अच्छा किताबा बैठा भाई पाठ से आगे नहीं आंदा वो कल विटल गया था किताबा को हो गया कि भाई बुखार और सपीदों चला गया। इब सपीदों अपने यू कृष्ण बनिया था इसने जानते एक टिक्का ला दिया और दो गोली उड़े दे दी और दो गाल दी किताबे की गोज में बुलाई नन्नू करिए तू कारखाने जाके ले लिए। इब किताबा तो चाल पड़े उड़े थे फाटक पा गया फाटक पान दे भाई थोड़ा सा शोर कम करो उड़े भाई बस आ गई और किताब सिंह बस में चढ़ दिया बस में चढ़ दे नो बोला बोला भाई कनेक्टर साहब बोला बोला भाई कारखाना हो तो मैंने बता दिए। कनेक्टर बोला ठीक से तू बैठ जा बता देंगे कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी बस जब आगे चाली रात तक खेड़ा मोड़ पाई फिर कनेक्टर लिखने लग गया फिर हाथ मारा बोला कनेक्टर साहब बोला ताऊ बोला कारखाना हो तो मैंने बता दिए भाई। कनेक्टर ने फिर कह दिया बोला ठीक से कोई भी कन बैठ जा तू बता देंगे। जब बड़ा रब जाए तो उतरी फिर कह दिया उसने जब वो लिखने लग गया बोला भाई कारखाना याद रखिए बजट की कनेक्टर कह भाई भाई याद रखना पड़ेगा। तो कनेक्टर बोला ताऊ बैठ जा सुन ली मैंने और पूरा ध्यान रखांगे कारखाने का तू कोई ना दिक्कत ना माने। अभी सा होया भाई कारखाना आया तो उड़े कोई सवारी थी नहीं कनेक्टर ड्राइवर आपस में बतलाने लग गए जान रहा नहीं बस आगे निकल गई और अपने तीर दोहरा आ ली। जब तीर दोहरा बस आ ली कनेक्टर लिखाया पाछे उन्होंने देखा हो ताऊ तो भाई कारखाना उतरना था नहीं तो इधर रह गया। कनेक्टर ने मारा रुका रहा रामफड़ बोला घुमाइए बस ने एक बोला के बात बोला बोल ना क्यों घुमा ले बेरा ना पड़ने दे किसी ने भी। अब बस घुमा दी और उल्टी कारखाने का छेड़ दी कारखाने जा गए कनेक्टर ने मारा रुका बोला ताऊ बोला भाई आ गया कारखाना उतर ले। अब किताबा ने तो दो गोली गोज में कट दी और मारा गला बोला चल दे भाई डॉक्टर ने कहा था गोली कारखाने लेनी है। अब अपने रामफुल मास्टर जी अड्डा पे बैठे थे और किताब में मिस्त्री का पता पूछते पूछते दो जने आ गए। न बोले जी किताबे ने जानो रामफल मास्टर बोले हाँ जानो भाई कि वो चढ़ाई चढ़ुई का काम करे आदमी तसल्ली करे लिया करे भाई आदमी किसा है पूरे पैर देगा ना पैर देगा। वो बोले जी आदमी किताबा की साक्ष है बोला भाई देख लो जिसके बाबू ने सारा काम बोला का है किसा को होगा। ना आ तो सब अभी सब परमिशन दे दे भाई तू भी अच्छा ठीक है भाई सब ने परमिशन ग्रांटेड कर दिया भाई। तो एक बात सब है जी भी सुना दिया जब ये नारे होने लगे नहीं तो बर्तन बर्तन बांध दिए फिर भाई मोटी चीज बच गई जो मोटी मोटी चीज थी उनमें नंबर आ गया तकत का तकत लिया है भीतर तक आएगा बोला बांध भाई तकत ने सब भाभी इतना नाड़ी कुलदीप भाभी इतना नाड़ी न बोला न्यू नहीं न्यूर न्यू काटांगे सब अंदर लिया रही गरड़ 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 तकत न्यूर न्यू काट दिया। अच्छा एक दो जोड़े बैठा था उन्हें कहा अरे बोला कम से कम इसने न्यूर न्यू काट लो मेज में आज बन जाएगी बोला ना बोला ना हमारा काम चलने देने का नाम ने दो। फिर आ गई सीढ़ी सीढ़ी भी ऊपर तो दर्जिया बाडा सारे पैते बीचों बीच कट दिया गए
ताई देखे बैठी बैठी लोग जुड़न लग रहा बेचारी का न बोली रही से काम ना करो ठीक बैठ ले ने बला बैठी रहो बंडवारा तेरा भी नहीं होना बीचों बीच अच्छा अपना चाचा राम कुमार भाई बचपन से हंसी मजाक इसके साथ हम करते आए हैं अप्रैल फूल भी बना दिया करते इसका। अच्छा ये हर साल जो है ये रागनियों का भी प्रेमी है और हर साल बंदी पे आता है क्योंकि ये बचपन से इस काम को करता भी था। हमने तो जब छोटे छोटे थे जब देखा था कि भाई सबसे पहले कापी इसी के हाथ में होती थी भाई बंद कौन बांधेगा राम कुमार बांधेगा। और जो इसकी सामाजिक सेवा थी उसका फल इसको भगवान ने दे भी रखा है आज के दिन। तो ऐसे आदमी थे जब भी इसको कोई ड्यूटी मिलती थी उस ड्यूटी को पूरे करते थे। लेकिन ईब दरिया बाबे अलड़ी ला रहे हैं दे सिगरेट पे सिगरेट दे सिगरेट पे सिगरेट सिगरेट पीपी का मुंह ऐसा बना लिया तनु बिना चैन का बटुआ है। अजय जी जब जवान होया गंज बड़े देखने वाले आ रहे थे बैठ के बला चौधरी साहब बुलाइए छोरे ने आ गया छोरा छोरे ने देखते नहीं बोले इके तो बला कान के में खचे खचे लग गए जी बला रही से थम बम फसा था ये तो सुकर हेड कहानी है कहा कान बच गए ना तो बचने कौन थे इतने भीड़े थम बम फस जाता सर इसका बला जी समझे नहीं हम डगानी ने क्या करा फिर बला भाई डगानी मास्टर तो डरिया घना करता जब इसका सिर फिस रहा था तो को तो कहता था मैंने तोड़ लो को कहता इन्हें ऊपर उठा लो कह कहता कोटा कर लो डगानिया बोला सारे दूर हो जाओ मन ने बेरा बोला इसका जुगाड़ का कुकर निकलेगा बोला जान दे पछले लो और इसका मारी भी बोला शर्म लात बोला एकदम निकल गया और कटवा आंदा है सर यू तुम भाज जा फिर जुकर अस्पताल में तो निकल दे माँ से भाज जा करे। अच्छा अपने शमशेर मिस्त्री द्वारा लिल्लू ने फोन कर दिया भाई लिल्लू टेलर ने तड़के तड़क सुबह अबे जब फोन करा उसके द्वारा फोन कर दे लिल्लू ने कहा कि भाई रही कौन चल दी मारी दूध बिलोना था इतने वो फोन फान मान ले मिला इतने उसने लिल्लू की फोन शुद्ध छेड़ दिया वार रही चालू होगी दूध तो काम शुरू हो गया अभी। शमशेर बोला ईसा है कंडेंसर बदलना पड़ेगा और तड़के मंडी जाऊंगा फिर ले आऊंगा इतने में लिल्लू बोला काट दे फोन दूध तो भी ले लिया हमने। फिर शमशेर बोला फिर क्यों स्वाद ले रहा था तो अरे बोला स्वाद के लिए तेने दो लेन कहने में बोला 15 मिनट ला जितने हमारा दूध भी ले आ गया। एक में चार सरदार भाज रे कसूता डाले रेल ने चलना शुरू कर दिया और वह थोड़े से दूर से खूब हंगा लाकर भाज रे सारी सवारियां का ध्यान पड़ गया जितनी रेल में थी सारे नौकरण लागे हाँ भाज लो थ्या जागी भाजो और जोर लगाओ। अब वो पूरे जोर से भाजे और भाज के दो सरदार जो है वो ट्रेन में चढ़ गए इब ट्रेन में चढ़ दे सारी सवारियां ताली बजाई वाह जी वाह तुसी बहुत ग्रेट हो इवो लखाए दोनों बला घंटा ग्रेट हाँ जुनशा ने जाना था वह तो रह गया हमने तो हम तो छोड़ना रहे थे उन्हें। अच्छा कई बार ऐसा हो जाता है भाई देखिए प्रोग्राम बहुत बढ़िया लेकिन एक बार एक आध बार है मतलब डराने वाले भी आ जाते हैं बोला जाइए यार अग्नि नहीं होगी नहीं प्रोग्राम नहीं हो जाएंगे न्यू कर जाएंगे इब हमें इसे ऐसा भाई ट्रिप भी जाओ हाथ जोड़ लिया भाई कोई बात नहीं या याद को नहीं दूसरी सुन करवा जाएंगे। एक बार न्यू है कई से हुए हैं कई तो आदमी सहयोग देनी हुए हैं कुछ ऐसे हुए हैं जिनका कोई सहयोग भी नहीं होता। एक सरदार की और नाई की सरदार का मकान और नाई की दुकान माशा में थी। अब सरदार बुजुर्ग हो रहा था एक दिन भाई सरदार की मृत्यु होगी नाई ने अपना तड़के दुकान खोल कर अपना काम शुरू कर दिया वो बाल काटने वाला काम ये बुढ़े
एक जना आया उन्हें देखा यार सरदार मर रहा रही बोला अपना काम शुरू कर रहा है बाल काटन लग रहा है नु बोला रे बदे माने से तेरे सामी सरदार की मौत हो रही और तू बाल काटन लग रहा बोला ई साहब भाई मारा ना का तो ये पैदा होंगे मर जाता तो मारे कदे बाल नहीं कटवाए भाई अपने संजय पटवारी जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं पटवारी जी का बार बार धन्यवाद करते हैं इनकी कमाई दिन दुगनी रात चुगनी हो हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। अच्छा थोड़े से चुटकले और फिर बाद में हो जाएंगे भाई थोड़ी सी कविता सुना देंगे इनका चाय पानी का भी हो जाएगा और फिर दो चार बाद में सुना देंगे। अब जैसे यू भाई कह था अशोक बोला थारा काम में दो सरप झूठ रहे के माशा तू कहता होता बोला जो 10-12 होंगे तो कल नहीं पूरे हो लेंगे प्रोग्राम करने इधर उत्ते कौन थे हमने मगर तो उन पछले रहे पुता में तो नहीं आ रहा कि टलके तो ये तो भाई कल लेकर ठड़ी बांधने की ला रहा था चोखा बलाओ इन दोनों सरपता का आज कौन आए ये मैदान में हाथ जोड़ा भाई हमें हाँ जी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बनाए जाइए तो लोकतंत्र जो है भाई हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में माना जाता है। इस लोकतंत्र में पहले जो राजा वंश अनुवांशिक होते थे यानी कि परंपरा के अनुसार लड़के का यानी आगे राजा जो होता था वो उसका पुत्र और वो उसका पुत्र ऐसे बनते थे लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा में वोट के द्वारा जनता के द्वारा जो है शासक चुने जाते हैं। हर साल हम देखते हैं अब हमारा पंचायत का चुनाव आएगा जिला परिषद का आएगा उसके बाद फिर लोकसभा का तो नेता जो है वो गांव के अंदर आते हैं भाई और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं। तो उसी लोकतंत्र पर एक राजेंद्र राजन की कविता है छोटी सी वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं आता पंक्तियों को सजाना कवि मैं हूँ नहीं आता पंक्तियों को सजाना अगर कविता पसंद आए तो थोड़ी सी ताली जरूर बजाना। सर्वे बजा दी तो आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में फिर वही चोराए होंगे प्यासी आंख उठाए होंगे सपनों भी गिराते होंगी मीठी मीठी बातें होंगी फिर मालाएं पहनानी होंगी फिर से ताली बजवानी होंगी दिन को रात कहा जाएगा दो को सात कहा जाएगा आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में शब्दों आए होंगी फिर वही झूठी बाएं होंगी तुम कहते नेता होंगे लेकिन वो अभिनेता होंगे बार बार सज्जन होंगे भीतर भीतर रहजन होंगे सब कुछ है फिर भी मांगेंगे झुकने की वो सीमा लांगेंगे आने वाले हैं जुआरी मेरे गांव में जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। अबे ये नहीं है कि भाई चिंता देश की हम करते हैं नेता भी चिंता करते हैं लेकिन वो देश की अपेक्षा कुर्सी की ज़्यादा चिंता करते हैं
कुर्सी के लिए सब कुछ बेच देते हैं, अपना धन, दीन धर्म ईमान, कुर्सी ना जाए चाहे कुछ भी चला जाए। उनकी चिंता जग से नारी, उनकी चिंता जग से नारी, कुर्सी है जान से प्यारी, कुर्सी है तो खलखामी, बिन कुर्सी के दुष्कामी, कुर्सी रस्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदियां कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाते, कुर्सी खातर सब कुछ दाव लाते, आने वाले हैं जुआरी मेरे गाँव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में। वाह वाह, भाई अच्छा यू ईश्वर निया ईश्वर बीरा, इनने जब शुरू में वोट बनाई, इनके वोट कार्ड एक साल तक गांव में घूमते रहे कि कोई लेनिया नहीं बनिया, एक पर लिख रहा क्या रिक्का, एक पर लिख रहा क्या जम्मन है, कौन तो बतावे इनके आधार उनने वोटर कार्ड ने। अच्छा मैं भाई सभी कोशिश करते हैं, मराका की दारू छटवाने की कोशिश मैंने भी करी थी, मन में बोला माका छोड़ दे इसने तेरे नुकसान बहुत करेगी, माले इसने प्रयोग करके दिखाऊंगा, मैं दीपू गिलास ला भाई, एक गिलास लिया है उसमें शराब डाल दी और उसमें एक कीड़ा घेर दिया पकड़ के, मगर देख वो कीड़ा थोड़ी बार में मर गया, मखाई कुछ समझ में न बुलाएगी, मैं के समझ में आई, बोले या पेट के कीड़े भी मारे है, समझा तो बड़ा अच्छा कोई बात नहीं सर यार, की बात होगी अच्छा भाई फिर कोशिश करी नहीं मान्या, फिर बीमार हो गया, उकड़ू बैठा खाट पे, मैंने पूछ लिया माका क्या ज्ञान हो गया, बोला कुछ नहीं भाई, माना कुछ ना कुछ तो है, बोला लीवर में तो मैसेज आवा है, बुढ़े मेरे जग जीवे है, क्यों कीड़े तो उछलेंगे भी वह। अच्छा एक दिन पूर्ण दौरे बैठा उड़े नवे बादशाह जरी, मैं बोला माका एक अवार्ड तो तेरे को भी देना पड़ेगा काम ने, क्यों नहाने का तने रिकॉर्ड बना रहा क्या पूरा, पूर्ण तो के कह रहा, बोला पूर्ण बेरा नहीं है, लोग बिना बिना कुक कर रहे जहाँ नहाए बिना, मेरे तो बोला 28 में दिन खाद माच दिया है भाई। एक बात दादा तेजे की याद कह रहा था, पाला बोला मारी भी बताइए थोड़ी सी, न पाला थोड़े बैठा है और याद दवाई तूने। अच्छा पाले ने गेहूँ कटवा दिए और सिल्ले के गेहूँ थोड़े से हरे थे, ये मशीन का लारा कर दिया जाई जोई का, वो गेहूँ सिल्ले ने भी कटवा दिए, कटवा कर मंडी में पहुँचा दिए, ये बूढ़े जाकर में बेके कौन है गेहूँ, बढ़िया कहने लग गया भाई इसमें तो 4 किलो कटेंगे क्विंटल के, लिया 2 किलो कटेंगे 3 किलो और वो तुले नहीं, ये बुआ बात दादा के किसी ने आड़े घरा बताया थी, अग बहुत घाटा कर दिया सिल्ले ने तो, अरे गेहूँ तो बोला घने घटके बिकेंगे, इब दादा ने इस बात का बेरा पाट गया कि भाई मशीन ने पाला ले गया था खेत में और जहाँ तेज गेहूँ कटे। अच्छा पाला दादा पाला आने बैठा, उड़े 2-3 जने और बैठे, ने बोला इसने करवाया हमारा करतू इस इंजन पर गमू वाले ने, पाला बोला बन्ने कुकर करवाया, बोला और तने तो बोला यू काम शुरू, हाँ बोला मेरी को मान्य है, बोला फिर नहीं मानते तो तू मेरे डाल कौन बैठता, क्यों फिर अगर सारा दिन बोला धक्के खांदा। अच्छा एक बार दादा तेजा ने बोला भाई बिजली ने टू फेस कर,
बोला एक बुग्गी पराल की काटांगे, अच्छी बुग्गी ले रखी पराल की, उसमें पानी पुनी मार कर पूरा तैयार हो रहा। मैं बोला मखादा लाइट ज्यादा है, अरे मोटर जल जाएगी। ने बोला ना ना कुछ नहीं होता, कर इसने टू फेस। अब वह लाइट टू फेस कर दी और उसने अपना काम शुरू कर दिया। पूरे के पूरे गाल पूरे लावे, पूरे भरा गहरे लावे और बड़ा राजी हो रहा, गेला रागनी गावे। अब थोड़ी देर में वह मोटर बोलेगी धुमाधार बाहर निकलिया। ने बोला भाई याद हो गया काम, बोला ऊपर और देख कही एक व्यक्ति क्यों होया। ऊपर गया तो एक वह बड़ी बैटरी हुआ कर दी, वह भी तरड़ के तले खुट्टी तो पिट रही। दो पंखे जल गए, एक फ्रिज जल गया। इबादन तो भाई बड़ा तो मंडा समा यार गाल मायन बैठा कूलन लाग गया। बोला भाई फोड़ेंगे घर के, बोला ताला पाट गया ही तो। अच्छा आई मेरी दादी देख के मंडा सन समझ वा भी गई, बड़ा नुकसान कर रखा तो किमें किमें। न बोली के कर, बोला के बताऊं जी, काम तो करा था था, था करने का फिर हो गया लाता छड़न का। तो भाई हो गया तैयार, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। एक रागनी बबलू भाई, एक रागनी बबलू की होगी। हाँ इतना एक दो चुटकुला सुना जाए, इतना ही तैयारी करा है। अच्छा एक मैं क्यों होया, यू राजेंद्र बैठे अपने पाथरी वाली बच लेगा, पाथरी वाली बच लेगा। तो उड़े ओ एक काम होया भी, भीड़ भड़ाका घना था और वो हमारी बाप भी रुड़गी रुड़गी। थोड़े दिन में चौकी थी, चौकी में चला गया और उड़े एक बनिए की भी बहु खुरी थी, वो बनिया उड़े पहले ही बैठा। यू भी पहुंच गया, उसने पूछा भाई तू कुकर आया, बोला भाई बहु खूगी और बोला तेरा भाई, बोले मेरी भी बहु खूरी है। आन दे बोला ले मुंशी ने भाई दिखवावा भी रिपोर्ट। मुंशी आ गया ने बोला भाई हाँ आ जाओ, बोला पहले बनिया कर दिया राजेंद्र नाग गए, बोला तू लिखवा दे पहले। ये बनिया लिखवाने लग गया भाई, बिल्कुल गोरी चीटी रंग गोरा, लंबी गर्दन, नाक सुहासा, मुंह बटुआसा, जो सुंदरता की वर्णन पूरा कर दिया उन्हें। ये राजेंद्र देखेंगे बैठा बैठा बस चाला आए दो। अबे जब उसने लिखवा दिया फिर राजेंद्र का नंबर आया, बोले आ जा भाई तू लिखवा दे, बोला छोड़ दो मेरा लिखा मारो गोली जी तो इस साल इंटो आगे। एक मैं बीमा एजेंट मतलब इतनी स्कीम बता दे है कि भाई उसमें जीण ते गला मरण में जी कर जा है। अपने राजकुमार मास्टर जी है वो आए गए गांव में, अरे दादा चेजे दौरे बैठ गए, लाग गए स्कीम बताने। अगिया मनी बैक पॉलिसी है, अगर यह ले ली ना इसमें मरने के बाद नगद मिलेंगे 5 लाख रुपये। दूसरी बता दी बोले यह पॉलिसी इसी है, इसमें मरने के बाद 8.5 लाख रुपये नगद मिलेंगे और भरने जमाए 2 लाख से। इब दादा गौर तो सुनेगा, 3-4 स्कीम बताई, आखिर में दादा जी बोला बोले आई कि मैं समझ में दादा, बोले आएगी भाई, बोले मन ने तो कोई सी स्कीम बता दे जिसमें मर तो एजेंट था और पीछे मन ने थे जा। एक बार बहु खोगी है कि ना बहु नहीं भाई सॉरी लोग खो गया। अब लुगाई चली गई रिपोर्ट लिखवाने, एक नोर देगी जिला पड़ोसन ने इब्जा कौड़े लागी रिपोर्ट लिखवाने। मुंशी बोले हाँ जी उलिया लिखवाओ, कैसा उलिया था? बोला जी बिल्कुल लंबा जवान छोरा था, 6.5 फुट का था, चौड़ी छाती थी, रंग गोरा था और दूसरी ने मारा खोवा आए ईसा तो कौन था जिसा तू लिखवाने लाग रही। ए बोला जिसा खो गया कम से कम पुलिस वाले टो तो सुतरा ले आओगे। तो भाई
हंसता हंसना सहना जीवन है, हंसते रहिए। अब इतने क्योंकि इनका तो लंबा हो गया भाई, इतने चुटकुले याद नहीं आओगे एकदम। एक छोटी सी कविता और सुना देता हूँ, इतने बबलू तैयार हो लेगा, फिर बबलू की एक रागनी काला लेके जुलटे।